जयनगर के कमला नदी में रविवार की शाम जल भरने को लेकर स्नान करने गए एक 18 वर्षीय युवक की डूबने से मौत हो गई। पूजा समिति व स्थानीय लोगों के सहयोग से युवक को पानी से निकालने के बाद इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान दरभंगा जिले के मौलागंज वार्ड नंबर 25 निवासी राजू शाह का पुत्र अमित कुमार गुप्ता बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही जयनगर थाना अध्यक्ष DSP आशुतोष रंजन दलवल के साथ अस्पताल पहुंचकर सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। अस्पताल चिकित्सक डॉक्टर विजय कुमार ने बताया कि युवक की मौत डूबने से हो गई, काफी देर तक पानी के अंदर था। मृतक अपने मित्र मौलागंज निवासी सचिन कुमार के साथ रविवार की सुबह अपने घर से जल भरने के लिए मोटरसाइकिल स्कूटी से जयनगर कमला नदी आया था। जल भरने से पहले स्नान करने के लिए मृतक पुल के 6 नंबर फाटक के ऊपर छलांग लगाई। उसी दौरान काफी देर तक पानी में डूबे रहने के कारण मृतक की मित्र को शंका होने पर पूजा समिति के सदस्यों को सूचना दिया। पूजा समिति के सदस्यों ने पानी में गोता लगाकर सबको बाहर निकाला। उधर परिजनों को घटना की सूचना दी गई। बहरहाल डूबने को लेकर तरह तरह की चर्चाएं जयनगर में हो रही है। नदी में से कमला नदी से डूबा हुआ बच्चा था, उसी को लेकर आया है, वो मृत लाया गया सर। 18-20 के लगभग होगा। देखो भाई, आजकल तेज धूप और लू से लोग काफी परेशान हैं। इससे बचने के लिए कड़ी धूप में बाहर मत निकलना, और यदि निकलना भी पड़े तो भरपेट भोजन करके ढीले ढाले सूती कपड़े, जूते या चप्पल पहनकर ही निकलो। साथ में भीगा हुआ तौलिया और पानी जरूर रखना है। तापमान अधिक हो तो आप लोग मेहनत या मजदूरी ज्यादा नहीं करिएगा। खाना कम खाना है और पानी ज्यादा पीना है। इसके अलावे खाने में अधिक पानी की मात्रा वाले मौसमी फल लीजिए। मांस, अंडा, सूखा मेवा, गर्म या मादक पेय पदार्थ, जर्दा तंबाकू का सेवन मत करना। तबीयत खराब लगे या चक्कर आए तो तुरंत डॉक्टर साहब के पास चले जाइएगा। बाकी अगर तबहू लू लग गया तो फिर क्या करेंगे? सबसे पहले लू लगे व्यक्ति को छांव में लिटाकर ठंडे गीले कपड़े से शरीर को पोंछना है, चाहे ठंडे पानी से उसे नहलाना है। लू लगने के पहले या लू लगने के बाद ORS या नमक चीनी पानी का घोल, छाछ या आम का पन्ना देते रहना चाहिए। गर्दन, पेट और शरीर पर बार बार गीला ठंडा कपड़ा रखना है, और यदि व्यक्ति उल्टियां करे या बेहोश हो तो उसे कुछ भी खाने पीने ना दें। लू लगे व्यक्ति की हालत में अगर 1 घंटे तक सुधार न हो तो उसे तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाइए। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।